हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है रुद्र आदित्य, स्वागत है आपका मेरे वीडियो एंड मेरे चैनल पे। एंड गाइस, ये है रियलमी बड्स एयर, जैसा कि अभी आपने इसका अनबॉक्सिंग देखा। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने फर्स्ट इंप्रेशन के बारे में कि कैसा रहा मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इन्हीं रियलमी बड्स एयर को लेके। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा इसके केस की, एंड केस के साथ में बात करना चाहूँगा इसके बिल्ड क्वालिटी की। तो डेफिनेटली कल मैंने एक पेट्रॉन के बेस बड्स लाइट का ऐसा ही सेम वीडियो बनाया था, सेम काइंड ऑफ वीडियो आप कह सकते हैं, रियल आई मीन अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन वाला वीडियो। एंड गाइस, वहाँ पे डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिखी थी, एंड 900 रुपीज़ में हम उतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। वैसे मैंने नीचे लिंक दे दिया है उस वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं। एंड वहाँ पे एक क्रिसमस सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी जाके चेकआउट करिए। बट गाइस, जब बात करते हैं यहाँ पे रियलमी बर्ड्स एयर की, तो डेफिनेटली आपको ये 4000 में मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा महंगा है उससे। बट डेफिनेटली 4000 प्राइस पॉइंट के साथ साथ यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा कमाल की आपको मिल रही है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका बिल्ड क्वालिटी, एंड इसके जो बर्ड्स हैं उसका भी ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छा है, एंड काफ़ी लाइट वेट भी है। तो वो आपके कान में बिल्कुल भी, मतलब क्या आप कह सकते हो कि आपको वो यूज़ करते करते पेन नहीं करेगा, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट गाइज, मैंने यहाँ पे एक और चीज़ नोटिस की, अगर मैं बात करता हूँ लुक एंड फील की, तो यहाँ पे गाइज जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है इसका। एंड वी ऑल नो कि लुक के मामले में ये कैसा है। या डेफिनेटली गाइज, यहाँ पे हालांकि इसके बैक में लिखा हुआ है डिज़ाइन बाई रियल बी, ओके रियल मी, कहीं ऐसा ना हो कि इसका बन जाए रियल में मीम, रियल मीम। एनीवेज गाइज, जोक्स अपार्ट, बट अगेन मैं ऐसे अगर नॉर्मली इसे देखूँ, मतलब उस इंटेंशन से ना देखूँ, तो डेफिनेटली डिज़ाइन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड ये हो गई लुक की बात। अगर फील की बात करें तो इन ईयर्स कैसे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बोला काफ़ी कंफर्टेबल है बिकॉज काफ़ी लाइट वेट है। बट गाइज, यहाँ पे रबर टिप नहीं होने के कारण डेफिनेटली वो जो फिटिंग है ना, वो ऐसा अंदर से फील आपको आता है कि वो मतलब ये वाला चीज़ है। यहाँ पे जैसे मैंने गैलेक्सी बर्ड्स यूज़ करता हूँ गाइज, वहाँ पे आपको रबर मिलता है, तो ये जब आप इसे ऐसे लगाते हो तो वो रबर जो है ग्रिप काफ़ी अच्छा देता है आपको, एंड इसमें वो चीज़ नहीं आ पाती है। मतलब ठीक है, ये अच्छे से ईयर में फिट बैठता है, बट अगेन वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल पाता है कि अगर मैं मतलब चलूँगा या दौड़ूंगा इसे पहन के तो ये मेरे कान में रहेगा, कहीं गिर ना जाए। बट फील नहीं आती है ऐसा, बट ऐसा है नहीं कि मतलब ये इसका फिटिंग ख़राब है। मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, इसका फिटिंग काफ़ी अच्छा है। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, यह ज़्यादा ये हमने देखा, मैं और भी ज़्यादा सेक कर सकता था, बट अगेन इतना काफ़ी होगा आपको दिखाने के लिए। बट अगेन, जो कॉन्फिडेंस है जैसा कि मैंने बोला वो आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, लेकिन ठीक है, फिटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है बिकॉज ऑफ लाइट वेट। तो लुक एंड फील काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इसका, प्रीमियम आपको यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी भी देखने के लिए मिलता है, तो सारा कुछ यहाँ पे इसका देखा जाए तो अच्छा है। एंड रही बात बैटरी की, तो मैं अभी इसे आउट ऑफ द बॉक्स बिना चार्ज किए हुए 1.5 से 2 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ, एंड आई गेस मैंने यहाँ पे म्यूज़िक ज़्यादा सुना है, एंड कुछ वीडियोस भी मैंने देखे हैं इसे लगाकर, एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे बेस जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है गाइस। बट या साउंड क्वालिटी या फिर जितने भी मैं टॉपिक्स के बारे में आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ अभी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे इन डेप्थ अपने रिव्यू वीडियो में, एंड वहाँ पे और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सो अभी साउंड क्वालिटी के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलने वाला हूँ। एंड डेफिनेटली अगर बात करें बैटरी की, जैसा कि मैंने बोला अभी मैं आउट ऑफ द बॉक्स इसे यूज़ कर रहा हूँ, अभी तक मैंने चार्ज नहीं किया है, तो मैं बैटरी के बारे में भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। एंड कंपनी यहाँ पे कितना क्लेम करती है, आपको कितना यहाँ पे मिलता है रियल लाइफ में, वो सब मैं आपको बताऊँगा अपने डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में। एंड गाइज, अगर बात करें यहाँ पे मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स भी हैं जो कि 10,000 प्राइस पॉइंट के साथ आता है, यहाँ पे मेरे पास पेट्रॉन बेस बर्ड्स लाइट भी हैं जो कि 900 रुपीज़ में आता है, एंड ये गाइज यहाँ पे रियलमी बर्ड्स एयर उन दोनों के बीच में 4000 रुपीज़ में। तो मैं इसे पेट्रॉन बेस बर्ड लाइट्स के साथ भी कंपेयर कर सकता हूँ, एंड इसे एट द सेम टाइम गैलेक्सी बर्ड्स से भी कंपेयर कर सकता हूँ। बट पेट्रॉन बेस बर्ड लाइट एंड सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स को एक साथ कंपेयर करने का कोई सेंस बनता नहीं है, वहाँ पे आपको डेफिनेटली डिफरेंस फील होगा। बट आई गेस इससे मेरे लिए, मतलब अगर मैं अपना बताऊँ, तो यहाँ पे इसे सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स से कंपेयर करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आई गेस ये काफ़ी एक अच्छा फाइट देने वाला है। सो लेट्स सी, वो सब सारे वीडियोस भी आएंगे मेरे चैनल पे बहुत जल्द, एंड इसका रिव्यू वीडियो एंड पेट्रॉन बेस बर्ड लाइट का भी रिव्यू वीडियो आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बोला, वो वीडियो आप जरूर जाके चेक करिएगा, उसे मिस मत करिएगा। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम बहुत जल्दी एक और एक्साइटिंग वीडियो में मिलेंगे। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।